एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह चौदह एक एक में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीस सिन्हा और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइज, आज बात करने वाले हैं ऑर्किड के बारे में। आप मेरे सामने देख सकते हैं इतनी सारी वैरायटी है ऑर्किड की, ऑलमोस्ट 7 डिफरेंट वैरायटीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स हैं जो कि आप बाय कर सकते हैं प्रिया नर्सरी से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्किड, और ऑर्किड की जो सबसे अच्छी बात है कि ऑर्किड आपके लॉन्ग टर्म तक चलता है और बस आपको थोड़ा टेक केयर करने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपको 6 डिफरेंट वेराइटीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और जितने भी मैं आपको दिखाऊंगा उस पे सब पे बर्ड्स बने हुए हैं और काफ़ी हेवी है। आप साइज़ देख सकते हैं बर्ड्स के, ये देखिए इतने हेवी हैं। और एक पॉट के अंदर लगभग लगभग आप मान के लिए 1 2 3 4 5 6 रूट्स आपको मिल रहे हैं इसके अंदर। और ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये बने हुए हैं, उसके बर्ड्स के स्टिक्स लगे हुए हैं जो ऑर्किड के स्टिक्स हैं। और इसका जो कलर है वो आपको स्किन पर मिल जाएगा, और येलो और पिंक का डबल शेड में आएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इन्होंने लगा रखा है एक 14 इंच के बड़े से पॉट में, ये देखिए। और वीडियो में आपको मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाले प्लांट हैं और बस 3 मंथ की ये गारंटी दे रहे हैं प्रिया नर्सरी कि 3 मंथ इन प्लांट्स को कुछ नहीं होगा। और उसके बाद आपको केयर कैसे करना है वो आपको लगातार गाइड कर देंगे। आप इनको कॉल कर सकते हैं और कॉल करके ये आपको बता देंगे कि आखिरी ऑर्किड को टेक केयर कैसे करना है आफ्टर 3 मंथ। तो अगर आप ये प्लांट बाय करते हैं, प्राइसिंग की बात मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि आखिर प्राइस कितने हैं इन प्लांट्स के, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हेवी है। किसी में आपको ऐसे 2 स्टिक्स मिलेंगे, जैसे कि 1 और 2, और किसी में आपको 3 स्टिक्स भी मिल सकते हैं। तो गाइज, जो नेक्स्ट प्लांट मैं लेके आया हूँ ऑर्किड का, वो है वैली किम वाओ। और इसका जो कलर है ये आप देख लीजिए, पहले बर्ड का कलर इसका देख लीजिए, बर्ड्स के कलर कैसे आ रहे हैं। और ये करीबन पिंक कलर का कुछ फ्लावरिंग इसमें होगी जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। और एक पॉट के अंदर आपको बहुत सारे, आपको देखिए ब्रांचेस लगे हुए हैं। इस तरह के ही प्लांट्स आपको बाय करने चाहिए जब भी आप ऑर्किड खरीदने के लिए जाते हैं वो, क्योंकि आप एक अगर ख़त्म होता है तो दूसरा बन जाता है, दूसरा ख़त्म होगा तीसरा बन जाएगा। तो ये लगातार इसमें नए नए जो बर्ड्स हैं और जो सूट्स हैं वो निकलते रहते हैं, तो ये काफ़ी बेटर है। अगर आप इस तरह के स्टिक्स आप बाय करते हैं बाज़ार से तो वो लगभग 15 डेज चलता है, बट अगर आप इस तरह के प्लांट्स अगर आप बाय कर लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक लगभग 3 मंथ तक इसमें जो फ्लावरिंग है वो लगातार बनी हुई रहती है जो कि काफ़ी सुंदर लगती है। अगर आप ऑर्किड लवर हैं तो आप ज़रूर इस प्लांट को बाय कीजिए, क्योंकि आपको मैं इस वीडियो में बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। जो नेक्स्ट प्लांट है वो नाम है इसका टच ऑफ क्लास, और ये देखिए। और इसमें पीच कलर के फ्लावरिंग होती है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इस तरह की फ्लावरिंग होती है। और ये इसके बने हुए हैं बर्ड्स, और एक स्टिक में आप देखिए कितने सारे बर्ड्स बने हुए हैं, ये देखिए। इसके अंदर 3 अलग अलग स्टिक्स हैं और एक स्टिक में 4 है, 4 स्टिक्स लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी बेहतरीन है। पहले मैंने जो आपको दिखाया उनमें 1 में 2 था, 1 में 3 था, और इसमें मुझे 4 स्टिक्स दिख रहे हैं, तो जो बहुत ही, और काफ़ी घना पौधा है। ये देखिए कितने सारे नए नए इसमें ब्रांचेस निकले हुए हैं। जब भी आप बाय करें तो कोशिश कीजिए कि इसमें इस तरह के बहुत सारे स्टेम्स हों, तो ज़्यादा फ़ायदा होता है और लगातार इसमें बर्ड्स बनते रहते हैं और फ्लावरिंग आपकी होती रहेगी। तो ये देखिए, मेंटेन करना ज़्यादा टफ़ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला प्लांट है। कई लोगों ने लिखा कि ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, बट ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, बस आपको थोड़ा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो ऑर्किड लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। तो थोड़ा आपको शेडी एरिया का प्लांट है तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देना होगा, पानी वगैरह का स्प्रे वगैरह आप कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा है ये प्लांट।
जो नेक्स्ट है वो है वैली लक, और इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो येलो कलर की होती है। आप इसके बर्ड्स देखिए कितने हेवी हैं, कितने बड़े बड़े हैं, और आप वो दिख रहा होगा कि येलोइश दिख रहा होगा आपको। तो इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन बनता है जो कि बहुत ही बेहतरीन लगता है। और ये देखिए जो स्टेम देख रहे हैं आप इसके, ये पहले जो फ्लावरिंग हुई होगी तो वो इस स्टेम से हुई होगी, और अभी जो हो रही है वो इस वाले से स्टेम से हो रही है फ्लावरिंग, ये देखिए। और आने वाले टाइम में और यहाँ से होगी फ्लावरिंग, और फिर नेक्स्ट जो है वो बन रहा है यहाँ से। तो जो पुराने होते हैं वो ये देखिए ये ड्राई हो गए हैं, आप इसको कट करके ध्यान से हटा भी सकते हैं, बट कट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप डिस्पोज हो जाते हैं, तो ज़्यादा आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो हर बार देखिए ये जो प्लांट है इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, ये वाला जो ब्रांच है इसमें भी फ्लावरिंग नहीं हुई, तो अभी इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, तो अभी इस पर हो रही है, फिर इस पर हो जाएगी, फिर आपके नए नए हमेशा बनते रहेंगे। तो एक लॉन्ग टर्म तक चलने वाला प्लांट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कई लोगों ने लिखा था कि ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चलते हैं, बस आपको थोड़ा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप आराम से इसको केयर करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। तो ये देखिए तो इसमें जो स्टिक्स हैं फ्लावर के ये दो हैं, और सब जो भी हैं वो काफ़ी हेवी है, थोड़ी सी मेरे को लगते हैं कि इसे इसके साइज बर्ड्स की साइज़ को देख के लग रहा है कि इसमें जो फ्लावरिंग होगी वो काफ़ी बड़ी बड़ी होने वाली है। ये देखिए स्टिक्स कितने लंबे लंबे हैं इसके, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो गाइज जो नेक्स्ट लेके आया हूँ ऑर्किड वो है रेमंड मास्टरपीस, ये देखिए, और ये बहुत ही बेहतरीन है, और इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो ग्रीन कलर की होगी, और बीच में रेड का स्पॉट होगा वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो वो आप देखिएगा। और सबसे अच्छी बात है इसकी कि इसके अंदर तीन तीन नए स्टिक्स बन रहे हैं, ये देखिए फ्लावर के, एक तो ये है, दूसरा ये हो गया, और जो तीसरा है वो ये है। और जो सबसे अच्छी बात है कि अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, रियली अगर आप एक प्लांट लवर हैं और चाहते हैं किसी को एग्जॉटिक कुछ गिफ्ट करना है, तो इस तरह के ऑर्किड जो कि लगभग 14 इंच के बड़े से पॉट में हैं, इतने बड़े पॉट में और इतने सारे नए नए ब्रांचेस जो बन रहे हैं और इसमें फ्लावरिंग हो रही हो, फिर क्या बात है। तो इस तरह के प्लांट्स आप बाई कर सकते हैं, और प्रिया नर्सरी के है, और आपको डिटेल सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इनको कॉल कर सकते हैं। यहाँ आना बहुत आसान है, गूगल मैप लोकेशन मैंने दिया हुआ है, आप गूगल मैप लोकेशन से बिल्कुल यहाँ तक इजीली पहुँच सकते हैं, प्रगति मैदान के पास है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह चौदह एक एक में लगे हुए हैं, तो बहुत हेवी फ्लावरिंग होने वाली है इसमें, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी आप बाई कर सकते हैं। तो गाइज अभी तक मैंने आपको 5 डिफरेंट वेराइटीज दिखाई है, और ये जो आप देख रहे हैं और ऑर्किड का ये फायर स्ट्रॉम है, और फायर स्ट्रॉम में इसका जो कलर होता है फ्लावर का वो सबसे बेहतरीन होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है, करीबन रेड कलर का पूरा फ्लावर होता है, और बीच में वाइट या येलो का स्पॉट आपको देखने के लिए मिलेगा, वो आप इससे ही जज कर सकते हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े इसमें बर्ड्स बन रहे हैं, ये देखिए इसमें 3 डिफरेंट स्टिक्स लगे हुए हैं, आप ये देखिए। तो लगातार जो पुराने जितने होंगे वो हटते रहेंगे, जो नए जो बनने वाले हैं वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए। ऑर्किड की इतनी अच्छी क्वालिटी आपको दिल्ली एनसीआर में देखने के लिए भी नहीं मिलेगा, तो अगर आप रियली ऑर्किड लवर हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं प्रिया नर्सरी। जो प्राइस रखा हुआ इन्होंने वो 3000 प्राइस है ऑर्किड का, और ऑर्किड की ये इतनी सारी वैरायटी और इतने सारे कलर्स अवेलेबल होना अपने आप में बहुत बड़ा बात है, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि इतने सारी वैरायटी कोई नहीं रखता। और ये देखिए इसमें 3 डिफरेंट स्टिक्स लगे हुए हैं, 1 2 3। तो जितने भी प्लांट्स मैंने आपको दिखाए हैं उनकी जो प्राइसिंग है 3000 रुपीज़ है, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें 2 स्टिक्स भी लगे हुए हैं तब भी उसकी जो प्राइसिंग होगी वो 3000 ही होगी, और अगर 3 से या 4 भी लगे हुए हैं उसमें स्टिक्स तो भी उसकी जो प्राइसिंग होगी वो 3000 होगी। आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, कलर जो प्रेफरेंस है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन है तो आप रेड ट्राई कर सकते हैं, येलो ट्राई कर सकते हैं, आपके पास कलर ऑप्शंस यहाँ पर आपको बहुत सारे मिलते हैं। तो ऑर्किड की 6 डिफरेंट वैरायटीज मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए
आपको एक और वैरायटी दिखाता हूँ जिसका नाम है पेप्स, और बिल्कुल लो मेंटेनेंस ऑर्किड है ये। आपको बिल्कुल भी इस प्लांट को ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सालों साल में दो बार फ्लावरिंग करता है ये ऑर्किड। और ये देखिए, ये लगभग करीबन 12 इंच के गमले में ये लगा हुआ है, और इनके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं ऑर्किड के। तो मैंने आपको 6 डिफरेंट वैरायटीज़ अभी तक दिखाई थी, ये 7th है। और ये देखिए, इसकी जो कलर है ऊपर आपको वाइट है और बीच में येलोइश है, और रेड का पैच है इस पर। तो बहुत ही अच्छा है। तो साल में आपके दो बार आपको फ्लावरिंग मिल जाएगी और मेंटेनेंस लो हो, तो इस तरह के ऑर्किड आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, तो अच्छे खासे एक पॉट के अंदर आपको कई सारे स्टिक्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। कई सारे प्लांट्स अगर मिल जाते हैं तो क्या बात है। तो इस तरह के ऑर्किड्स आप बाई कर सकते हैं, 600 रुपीज़ इन्होंने प्राइस रखा हुआ है इसका, और करीबन 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको बाय करना है तो आपको पिया नर्सरी आना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। ये पटियाला हाउस के बिल्कुल जो कोर्ट है वो बिल्कुल उसके बगल में ही है, और अगर आप गूगल मैप लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो आप गूगल मैप लोकेशन से आप ट्रैक करके ईजिली पिया नर्सरी तक आप पहुँच सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.